हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सिसु। अभी हम नाइट को सिसु में रुके थे। यहाँ सिसु हेलीपैड के पास में अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे आप कभी भी आओ तो रुक भी सकते हो। यहाँ पूरा खुला मैदान है और यहाँ टॉयलेट वगैरह की कोई दिक्कत नहीं। टॉयलेट वगैरह भी बनी हुई है, पूरा टॉयलेट है, पूरा खुला मैदान है। यहाँ पे स्टॉलें भी लगी हुई, लेकिन अभी स्टॉलें सारी बंद है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग इतनी नहीं खुलती है। और ये देखो नज़ारा, सिसु वाटरफॉल, और ये जा रही रिवर, बगल में रिवर बह रही है। और अभी जिप लाइन वगैरह सब बंद हो चुकी है। और यहाँ होता था ना सिसु ब्रिज, जो ये फ्लड के टाइम पे जो बह गया था, टूट गया था, वो उधर था, वो ब्रिज टूट गया था, वहाँ पे था वो ब्रिज। तो हमने सिसु एलिवेट पे अभी स्टे किया था और अभी हम उठे हैं। उठ के अभी कुछ चाय पानी बनाते हैं, कुछ खाना वाने की व्यवस्था करते हैं। तो हमने गाड़ी लगा ली है यहाँ पे, तो हमने सामान निकाल लिया है। और ये हमारी छोटी कुकुरानी। हेलो कुकुरानी, हाय। सर्दी लग रही है क्या? सर्दी लग रही है क्या? बता एक बार, बता दो। सर्दी लग रही है क्या? नहीं लग रही, जुकाम तो हो रखा है। तो खोला जाए, सामान बनाई जाए, चाय पानी की व्यवस्था की जाए। तो सबसे पहले बेड उठाना पड़ता है, गद्दा। किधर से उठना? ये तो पूरे उठाना पड़ेगा आज तो। एक साइड से काम तो चलेगा नहीं, पूरा उठा लेंगे। इसको दोबारा सेट कर लेंगे। सनराइज ये एकदम से निकलता है ना, एक मिनट के अंदर अंदर सब कुछ बाहर आ गया। हाँ। तो हमारे डुगुरा ने यहाँ पे आराम फरमा रही है। हेलो, हाय, निकालो सामान निकालो। चलो आपको दिखाते हैं हमारा सेटअप कैसे बना के लाए हम। तो हमने बनाए लकड़ी के कंपार्टमेंट। तो उसको खोलने के लिए सबसे पहले इनको फोल्ड करना पड़ता है, फिर ये दोनों अपने से खुल जाते हैं। इसके अंदर रैक बनाई हुई है, तो इसमें हमने खाने पीने का सामान रखा है। ये हमारे बर्तन है, हम प्याज भी घर से लेके आए हैं। और ये हमारे को कुकुरानी के कपड़े हैं। अब दिखाते हैं हम आपको आगे वाला बॉक्स। आगे वाला बॉक्स भी ऐसे खुल जाता है। इसके अंदर हम क्या क्या लेके आए, इसमें क्या है? इसमें घर में घर से चटनी बना के लेके आए थे, पापड़ है, आटा है, ये मिल्क पाउडर भी लेके आए थे हम घर से। और दूसरे के अंदर हमने चने, बिस्किट, गैस, और ये हमारा इन्फ्लेटर हवा भरने के लिए गाड़ी में, वो लाइटें, इमरजेंसी लाइटें रात को लगाने के लिए। और ये सारा सामान हमने आगे रख दिया है गाड़ी के आगे। पीछे वाला बॉक्स खोलने के लिए आगे वाले सामान शिफ्ट करना पड़ता है आगे पूरा का पूरा। तो हमने आगे से भर दिया पूरा, बाद में वापस सेट कर लेंगे इसको। तो सिसु की मॉर्निंग ऐसी है हमारी। यहाँ पे लोग आए, फोटो शूट किया, निकल गए,
का कुछ तो उधर रुके हुए हैं, कुछ उधर रुके हुए हैं। अभी स्टोर सारी बंद है क्योंकि अभी सीजन का क्या एंड हो रखा है, तो एंड में वैसे घूमने का मज़ा होता ना वो एंड में ही आता है, भीड़ भाड़ ना हो, शांत जगह हो, क्योंकि हिल स्टेशन में अपन यही समझते हैं कि शांति के लिए आते हैं और शांति भीड़ भाड़ ना हो तब मिलती है। मैं तो यही कहता हूँ कि प्रेफर करता हूँ कि आप जब सीज़न एंड होने वाला हो ना तब पहुँचो, या सीज़न स्टार्ट होने वाला हो तब पहुँचो। यहाँ पे कचरा नहीं फैलाएं, सबके लिए डस्टबिन लगा रखे हैं हेलीपैड पे, ये इधर भी उधर भी, इधर इनका खुद के स्टॉल वाला का है, सब जगह डस्टबिन लगे हुए हैं, और वो सरकारी टॉयलेट है उधर। अब यहाँ एक दो स्टॉल खुलने लगी है, एक स्टॉल वो खुली है, एक वो आगे वाली खुली है, और जिप लाइन वगैरह थोड़ी कभी कभार शायद बता तो रहे हैं कि दिन में स्टार्ट हो जाती है एक दो जिप लाइन तो काफ़ी है यहाँ पे, पर अभी दिन अभी सारी बंद है, दिन में स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, यहाँ के काम करने वाले एक दो बार ज़रूर जिप लाइन पर आते जाते दिखे थे, और वो वहाँ पर ब्रिज हुआ करता था कभी, जो बाढ़ अपने साथ ले गई थी। और ये हमारा शिशु का वाटरफॉल, यहाँ कभी भी आओ एक बार रुको, एक नाइट यहाँ ज़रूर स्टे करो, आप कैंपिंग करो। और दूसरी बात, देखो कैंपिंग करना अलग चीज़ है, और मैं तो ये मानता हूँ कि अपने को खाना पीना है ना यही इन लोगों से ही लेना चाहिए। एक तो इनके खाने पीने का भी अंदाजा रहे अपने को कि ये क्या लोग क्या खाते कैसे रहते हैं वो भी अंदाजा रहे। दूसरी चीज़ें, इनके तो खेती बाड़ी तो कुछ है नहीं, ना इनका कोई बड़ा कारोबार है, तो कमाई का जरिया कौन है? अपन है। अपन ही वहाँ घर से चल के आके हज़ार किलोमीटर 500 किलोमीटर चल के आते हैं, और अपना सब कुछ सामान लेके आते हैं, और इनके सामने बैठे खाना बना के खाते हैं, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। मैं इस उद्देश्य से लेके नहीं आया था। अभी यहाँ पे कोई स्टॉल नहीं थी, सुबह चाय पानी की कुछ भी स्टॉल नहीं थी, अभी खुला है, वहाँ पे भी खाने का व्यवस्था नहीं है, सिर्फ ब्रेकफास्ट की, तो इसलिए हमारे तो मजबूरी बस बनाना पड़ा। और जहाँ तक हो सका, चौथा दिन हो रखा है और हमने एक बार भी खाना खुद से नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ के लोग हम पे ही डिपेंड है, और हम ही उनके साथ ऐसा करेंगे तो क्या चलेगा। तो इसलिए खाना वाना बनाओ, जहाँ आस पास कुछ ना हो ना, एकांत तो वहाँ रुकना पड़े अपने को, तब वहाँ कुछ करो अपना बनाओ, और यही प्रकृति को बचा के रखते हैं। अपन बाहर से आते हैं, प्रकृति को खराब करने ही आते हैं, 90% लोग खराब करने आते हैं। चलो अभी शाम, अभी थोड़ी देर में खाना वाना बना के खा के हम निकलेंगे आगे, कहाँ देखते हैं, आज जिस्पा या दारचा तक पहुँचेंगे, या तो जिस्पा में रुकेंगे या दारचा में रुकेंगे, जो भी लोकेशन अच्छी लगे। ऐसा हमें खुला ग्राउंड मिले ना, वहाँ रुकने का मज़ा है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कोई मतलब नहीं मरता। तो अभी हम शिशु से निकल के गोंडला गाँव आए, कोई शिशु निकलते ही अगला गाँव गोंडला गाँव आता है, वहाँ पे रुके थे। वहाँ पे हमने कुछ ज़रूरत का सामान लिया है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ, कोई नमकीन, कोई बिस्किट, कोई चॉकलेट वो लिए, सब्जियाँ वगैरह लिए। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, सर्चों में रुकने का स्टे का ऑप्शन कुछ अच्छा हुआ तो, बाकी यहाँ का व्यू भी बहुत ज़बरदस्त है। एक छोटे छोटे गांव हैं, और यहाँ का मतलब प्रॉपर जो काम होता है वो सब सिर्फ सब्जियाँ ही होती है, बाकी तो कुछ इनकम का सोर्स है नहीं यहाँ पे, और स्नोफॉल के टाइम में वो भी बंद हो जाता है सिस्टम सारा। तो इनके ये मान के चलो, इनके बिजनेस जो मान लो, बिजनेस मान लो, या उनका जो काम का टाइम है वो सिर्फ 6-7 महीने ही रहता है मुश्किल से। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं, ये लोकेशन भी बहुत अच्छी है, लेकिन नेक्स्ट के ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं लग रहे मेरे को कहीं भी, कोई एक आज होगा। चलो चलते हैं फिर।
एक स्विफ्ट का एक्सीडेंट हो गया है, स्विफ्ट का मलबा पड़ा है उस साइड, ये इस पत्थर के बराबर में पड़ा है। उस स्विफ्ट के अंदर एक बंदा था, खुदा की रहमत है बंदा तो बच गया। अभी पुलिस वगैरह आई हुई थी, अभी सुबह दिखाए एम्बुलेंस में। अभी यहाँ एक स्विफ्ट का एक्सीडेंट हुआ है, स्विफ्ट नीचे खाई में गिर चुकी है, स्विफ्ट का मलबा ही दिखाई नहीं दे रहा, ऐसी हालत में गिरी है, बिल्कुल ऊपर से पत्थर आ रहे हैं। इस हालत में बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, बंदे की जान तो बच गई है, गाड़ी का कचरा हो चुका है बिल्कुल। पुलिस वाले आई है इस गाड़ी को, इस बंदे, ये जो आगे गाड़ी दिख रही है ना ये येलो वाली टेम्पर, इसके अंदर लटा रखा है ना इस बंदे को, हालत इसकी भी सीरियस है। रास्ते बहुत खतरनाक है, ऊपर से लैंडस्लाइड होती रहती है, पत्थर गिरते रहते हैं, ऊपर से ये खतरा, और ऊपर से थोड़ी सी सावधानी हटी और नीचे खाई, अंदाजा ही नहीं हजारों फीट गहरी खाइयाँ होती है। लड़का तो बच गया, हाँ लड़के को हॉस्पिटल लेके गए हैं। अभी हम रुके थे टांडी से पहले, 1 किलोमीटर पहले पेट्रोल पंप आता है, पेट्रोल पंप से हमने डीजल फुल करवा लिया गाड़ी के अंदर, और हमने एक्स्ट्रा जेरिकैन भी कैरी कर लिया है। इन बाई चांस कह लो उनके अंदर पेट्रोल पंप है तो सही, पर उसमें बाई चांस डीजल हो नहीं हो, कमी हो जाए कभी कभार, उसके चलते हमने पहले ही कम्प्लीट कर लिया। तो यहाँ से आ रही है ये वाली चिनाब और ये भागा नदी, मतलब चंद्रा और भागा नदी, आगे चिनाब का रूप ले लेती है आगे बढ़ के, और इनका संगम है ये, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। इसमें ऐसा लग रहा है कि चंद्रा का पानी जो आ रहा है, चिनाब जो पानी आ रहा है वो थोड़ा मटमैला है, ये वाला बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है। और इधर साइड में एक लेक सी बनी हुई है जिसका पानी तो बहुत ही क्लियर है। अभी हम यहीं पे वेट कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे चाय पानी कुछ पियेंगे और चंद्रा और भागा दोनों नदी का हम एंजॉय करेंगे। और ये दोनों मुसाफिर हमारे बैठे ही हैं, इनको तो उतरने का आलस हो रखा है कि हम तो अंदर से व्यू देख लेंगे इसका। सोच रहा हूँ कि वहाँ जाके देखें, चलो चलते हैं अंदर। बीच में शिव त्रिशूल लगा हुआ है भोलेनाथ का, जय शिव शंभू। ये आलसी लोग कह रहे हैं हमको आलसी क्यों बोला है, अभी टांडी से निकले, ये कहलाता है टांडी ब्रिज, टांडी ब्रिज। यहाँ पे स्टे के ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे चाय पानी के लिए ढाबे वगैरह छोटे छोटे होटल बने हुए हैं, और उन्होंने अभी टांडी ब्रिज क्रॉस किया है। टांडी ब्रिज क्रॉस करने के बाद देखते हैं आगे। अभी हम केलोंग पहुंच चुके हैं, और केलोंग में यह आखिरी पेट्रोल पंप है, इसके बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं है। ले तक ले 360 किलोमीटर, 360 रह गया, 360 तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। हमने तो अभी उसमें टांडी में फुल करवाई थी, इसके बाद कोई पेट्रोल पंप भी नहीं होगा बेटा। तो जब भी निकलो तो अपना पेट्रोल डीजल का ध्यान में रखते हुए। और अभी हम किलोंग पहुंच चुके हैं, किलोंग में होमस्टे के ऑप्शन तो है बहुत सारे, होटल वगैरह भी हैं। किलोंग पूरा बड़ा मार्केट है। अभी हम जिस पर पहुंचने वाले हैं, जिस पर आए 1 किलोमीटर से मार्केट तो स्टार्ट हो गया है, होटल वगैरह, होम स्टे, कैंपिंग वगैरह,
ये रिवर साइड कैंप बहुत सारे हैं यहाँ पे, और लोगों ने खुद की कैंपिंग भी लगा रखी है यहाँ पे। हम भी कोई जगह ढूंढेंगे जहाँ हम भी कैंप लगा सकें अपना। ये अंदर लगा रखे इन्होंने कैंप, सेम से परमिशन अपन ले लेंगे कहीं भी। जिस पर खत्म हो चुका है अपने को वापस आना पड़ेगा जिस पर 0 किलोमीटर जिस पर तो 0 किलोमीटर हो चुका है। लास्ट रिसर्फ डन मतलब रिकाउंटिंग हुई है ना पिलरों की, ये भी लिखी हुई है। थोड़ा दूर वापस आके देखते हैं कि कुछ व्यवस्था बने तो वहाँ नीचे जाने की व्यवस्था बढ़ जाए तो सबसे बेस्ट है। नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो ग्राउंड बड़ा अच्छा पड़ा है। अच्छा नहीं है ये, नदी के टाइम में बाढ़ का है देखो, जगह हर जगह पानी पानी है, काम से खुला ग्राउंड है। ये भागा नदी है शायद, नीचे तो जाने का रास्ता है नहीं। चलो देखते हैं पीछे की साइड, देखते हैं कोई साधन तो गए हैं। देखो उधर एक दो वो गाड़ी, देखो गाड़ी गिरी हुई, देखो वो गाड़ी गिरी हुई है। तो आज हम जिस पा में रुके हैं, कल रात को हम शीशो में रुके थे, अब यहाँ पे जिस पा के अंदर है ये, और यहाँ होटल है इसके अंदर रुके हैं। अच्छी फैसिलिटी है और व्यू भी बड़ा शानदार है, चांद भी बड़ा अच्छे से चमक रहा है आज। अब सुबह हम यहाँ से निकलेंगे, अभी भी होटल वगैरह बिल्कुल खाली हैं क्योंकि लोग हैं ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि फ्लड के बाद बहुत तबाही हुई थी, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। और यहाँ पे लोग नाइट कैंपिंग भी कर रहे हैं इधर। हमने इस अंकल से पूछा था कि हम भी कैंपिंग वगैरह कर सकते हैं क्या, तो अंकल ने बोला कि कैंपिंग तो आप कर सकते हो, कैंपिंग का चार्ज, हमें बोला कि ग्राउंड का चार्जर आपका 400 से 500 रहेगा, और रूम का रहा हमारा 1000। तो हमने सोचा कि रूम ही ले लेते हैं कि बाहर क्यों सर्दी में घूमें, और आजकल टेम्परेचर भी तो -4-5 degrees तक रहता है, तो इसलिए हमने रूम ही ले लिया और रूम में स्टे कर रहे हैं। अभी सुबह का व्यू दिखाता हूँ आपको यहाँ से। सुबह आगे हम जाएंगे सरचू बारलाचा तक, उसके तो बारलाचा तक पहुँचेंगे, बाकी रात को यहीं रहते हैं। अभी कुछ बॉनफायर वगैरह भी करने का बोला है तो करेंगे। गाड़ी की पार्किंग हमने ऊपर ही लगा दी क्योंकि जैसे उन्होंने बोला कि रात को ठंड बहुत होती है, तो हो सकता है सुबह स्टार्ट ना हो, और नीचे से ऊपर का स्लोप ज़्यादा है तो सुबह उठाने में दिक्कत हो जाएगी, तो फिर गाड़ी वाले बुलाने पड़ेंगे स्टार्ट करने के लिए। तो इससे अच्छा आप ऊपर ही लगा लो, अगर बाई चांस कोई दिक्कत आई तो हम हेल्प करेंगे आपकी, तो इसलिए वहीं रुक गए थे हम।